हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सौरभ वर्मा फ्रॉम यूपी वाराणसी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सौरभ डॉग कैनल में, जिसको आप सब लोगों के प्यार से वेरीफाइड भी अब कर लिया गया है, क्योंकि हम खुशियां बांटते हैं और आगे भी खुशियां बांटते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि खुशियों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहे। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। वेलकम इन एसटी। ये भैरवी है, इसकी वीडियो आप पहले हमारे चैनल पे देख चुके हैं। आज ये फोर मंथ की हो गई है और आज हमारे पास आई है हमसे मिलने आई है, हमारे साथ खेलने आई है। अभी हम आपको इसको दिखाते हैं। अरे यार, ये तो एकदम बच्चे की तरह हो गई है। तो सेंट बर्नार्ड बेसिकली बहुत ही ज्यादा लॉयल, बहुत ही ज्यादा रॉयल और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त ब्रीड है। ये लोग ठंडा पसंद करते हैं, मतलब इनको ठंडे में रहना बहुत पसंद होता है। बेसिकली एसी और कूलर के बगैर इनको नहीं रखना चाहिए, गर्मी का दिन है तो एसी में ही रखना चाहिए। और पिछली बार आई थी तो इसकी जो हेल्थ थी वो कुछ खास बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। बट हमने इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गाइस, जो हम आपको भी बताना चाहते हैं। हमने इसको दिया रॉयल कैनिन का जाइंट, ये वाला फूड दिया रॉयल कैनिन का जाइंट, जो कि सेंट बर्नार्ड स्पेशल होता है। और इसके साथ हमने स्मार्ट हार्ट को मिक्स करके इसको दिलवाया, तो उसके बाद इसका एकदम अमेजिंग ही ग्रोथ हो गया। मतलब आप देख सकते हैं, ये देखिए इस बच्चे को देखो आप, मतलब इसका कोट इतना अच्छा हो गया, इसका हेड अच्छा हो गया। सबसे बड़ी चीज इसके पॉज आप देखिए, मतलब एडल्ट डॉग जैसे इसके पॉज हो गए हैं। इसके पहले ये सिर्फ रॉयल कैनिन खा रही थी और कंप्लीट रॉयल कैनिन खाने के बाद भी बहुत ज्यादा अच्छा ग्रोथ नहीं था। इधर कुल मिला जुला के बातें ये है कि थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें भी पता चलता है कि कौन सी ब्रीड के लिए क्या सही है, कितना वर्कआउट सही है, क्या अच्छा है क्या नहीं। और बहुत मजेदार है। आप अच्छा खासा इसका बॉडी वेट हो गया और ये काफी बड़ी हो गई है। मैं आपको इसको खड़ा करके दिखाता हूँ। ये तो भाग जा रही है। अच्छा, नहीं बैठूंगी। अच्छा, तुम्हें बैठना था तो बेसिकली भैरवी को बैठना था। इसको बोरे पे एक्चुअली प्रॉब्लम हो रही है, बोरे बज रहे हैं ना, ये डॉग फूड के बोरे हैं तो ये डर रही है। आप देख रहे हैं आवाज हो रहा है इसको। तो बहुत ही मजेदार है, इसके केनाइन टीथ्स बहुत शार्प हो गए और इसके पॉज बहुत अच्छे हो गए। बेसिकली सेंट बर्नार्ड बहुत फ्रेंडली ब्रीड होता है दोस्तों, ये बहुत अच्छे कंपैटिबल है फैमिली के लिए। और बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ भी करिए, कुछ भी खिलाइए, आप देखिए, आप एनालाइज कीजिए कि कौन सा डॉग फूड आपके डॉग को सूट कर रहा है। नॉनवेज सूट कर रहा है, एग सूट कर रहा है, या सब कुछ सूट कर रहा है, या घर का खाना सूट कर रहा है। मैं कभी भी ये एडवाइस नहीं करता कि सिर्फ आप रॉयल कैनिन ही दीजिए, सिर्फ पेडिग्री दीजिए, सिर्फ स्मार्ट हार्ट दीजिए। आप खुद एनालाइज कीजिए। मैं मतलब अमेज्ड हो गया इसको देख के। हमेशा आप इसके भाई को देखते हैं, मैक्स को, मैं हमेशा उसकी तारीफ करता हूँ कि मैक्स ऐसा हो गया वैसा हो गया। बट इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैक्स जब आएगा तो मैक्स से भी बहुत ज्यादा अच्छी ये हो गई। मतलब इसका कोट इतना अच्छा हो गया, सबसे बड़ी चीज हेयर फॉल नहीं हो रहा। मैं फिर बता दूं, हमने इसको रॉयल कैनिन जाइंट जूनियर में स्मार्ट हार्ट का पपी मिक्स करके देना शुरू किया है और इसकी लेंथ बहुत अच्छी हो गई है। हालांकि अब ये वॉक पे भी जाती है, प्लेग्राउंड पे जाती है, खेलती है, दौड़ती है। इसके पॉज बहुत अच्छे हो गए हैं, बोन स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है, हेड साइज बहुत स्ट्रांग हो गया है और ये पहले के कंपैरिजन ज्यादा फ्रेंडली भी हो गई है। सो गर्मी के दिनों में दही जरूर दीजिए दोस्तों। आप देख सकते हैं थोपड़े की हालत, कितनी गर्मी लग रही है। एक्चुअली अभी फैन अगर मैं ऑन कर दूंगा तो आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आएगी, तो हम लोग फैन ऑफ करके शूट कर रहे हैं। तो हमेशा आप देखते हैं एसी में बैठा हुआ सौरभ, टाई लगाया हुआ सौरभ, एसी चेंबर में बैठा हुआ सौरभ, सबको रॉयल एनफील्ड बुलेट, फॉर्चूनर, घर, सब कुछ दिखता है। बट गाइज, एक रियल ब्रीडर की जो एक्चुअल लाइफ होती है वो ऐसी होती है। शर्ट देख सकते हैं आप, पैंट देख सकते हैं, भैरवी के बालों से पूरा पैंट शर्ट सब बाल बाल हो गए, और थोपड़े की हालत देख लो दोस्तों। तो लिटरली यार, इतनी मेहनत कर सकना ना, तब ब्रीडर बनने का सपना देखना। और कोई एक बेवकूफ ना बड़ा लेक्चर दे रहा था अपने वीडियो में कि ब्रीडर वही बन सकता है जो जिसका बहुत बड़ा फार्म हो, ब्रीडर वही बन सकता है जो, किसको बौक रही भैया, जिसके पास 5-10 लाख 20 लाख रुपए हो। ब्रीडर वो बन सकता है जिसके पास बड़ी कोठी हो, हवेली हो, बहुत बड़ी जगह हो, बीओबी लग जाए, बेस्ट ऑफ द रिंग हो जाए, बेस्ट ऑफ द सीसी हो जाए। तो भाई मैं आपको बताऊं, हर इंसान ना 2 लाख 4 लाख 5 लाख के कुत्ते नहीं ले सकता। आज भी लोग 5,000 8,000 10,000 के डॉग्स लेते हैं। और यार ऐसा नहीं कि सिर्फ
हमेशा पैसे वाला ही आदमी ब्रीडर बनेगा, जिसके पास 10 करोड़ है वही ब्रीडिंग कर सकता है। नहीं, एक रिक्शा वाला ऑटो वाला भी ब्रीडिंग कर सकता है, हमने कराया है। हमारे पास हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट है, बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर भाई हैं जो 10,000 12,000 15,000 8,000 रुपए के लैब्राडोर जर्मन शेफर्ड लेके ब्रीडिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी ब्रीडिंग कर रहे हैं। और अभी हमारे एक सब्सक्राइबर भाई हैं नाथुराम यादव जी, उन्होंने जर्मन शेफर्ड लिया था हमारे पास से सासाराम में, लास्ट ईयर लिया था, 12,000 रुपए की फीमेल हमने उनको दिया था डबल कोट में, और अभी उसके बच्चे हुए, 7 बच्चे हुए, तो हम ही ने उनके सारे पपीज उनके यहाँ से लेके सेल कराए। 10,000 रुपए के रेट से हमने उनसे पपी लिए, तो 70,000 रुपए का उनको मुनाफा हुआ। तो कैसे नहीं हो सकता है गाइस? बिल्कुल हो सकता है, मतलब हर आदमी ब्रीडिंग कर सकता है अगर कलेजा हो, प्यार से रखे। पता है जिसके पास करोड़ों रुपए होते हैं ना, जो बड़े बड़े फार्म हाउस में रहते हैं, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू से जब लोग आते जाते हैं ना, वो लोग अपने डॉग्स को सीने से लगा के नहीं रखते। हम लोग अपने डॉग्स को सीने से लगा के रखते हैं, बिस्तर पे सुलाते हैं, उसकी पॉटी साफ करते हैं, उसका बर्तन धोते हैं, इतना पसीना पसीना होते हैं, तब जब कभी अगर ऊपर वाले ने चाहा तो ठीक है, बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज दे दिया तो हमें पता चलता है, और नहीं भी दिया तो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमको इनसे प्यार है, हम तो पेट्स के लिए काम करते हैं। सो गाइज, ब्रीडिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, और ब्रीडिंग इंडस्ट्री को बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बदनाम कर रहे हैं। तो बिल्कुल मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, जो भी लोग इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, भैरवी कम कम, अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं अपना, आओ, और इस प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। मेहनत करने का अगर जज्बा है, मतलब एक रिक्शे वाले ट्रॉली वाले से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता, अगर इतनी मेहनत कर सकते हो ना दोस्त, मैं विश्वास दिलाता हूं कि 5 साल 8 साल 10 साल में आप एक अच्छा नाम और एक अच्छा मुकाम बना सकते हैं ब्रीडिंग इंडस्ट्री में। जादू नहीं होता, लोगों को दिखता है कि यार 10,000 का लिया, 11,000 का बेचा, सीधा 1,000 मुनाफा, बट उस 1,000 के मुनाफे के पीछे बहुत कड़ी वाली मेहनत होती है दोस्तों, इतना आसान भी नहीं होता है। बट अगर आप मेहनत कर सकते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता, आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। सो वीडियो के यही एंड करेंगे, क्योंकि अब बोलने की हालत नहीं है, और कैमरामैन के अलावा बाकी सारे लोगों की हालत गंभीर हो गई है, फैन ऑफ है। सो टाटा बाय, जय हिंद जय भारत।